महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से पहली बार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले मनोहर जोशी भी शिवसेना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन ठाकरे परिवार से पहली बार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका पूरा श्रेय दिया जा रहा है शरद पवार को, जिन्हें मराठा राजनीति का चाणक्य बताया गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा एक महीने में ही अपनी सरकार, उनके समर्थन से जो सरकार बन रही है, उसकी रणनीति उन्होंने बना दी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने और भतीजे अजीत पवार को घर आने के लिए भी मजबूर कर दिया। उन्होंने वादा निभाते हुए शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार की शपथ का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा भी मराठा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कई मोर्चों पर फतह हासिल की। परिवार को टूटने से बचाने की बात हो या पार्टी की या गठबंधन की, उस पर उठ रहे सवाल हो, शरद पवार ने 80 घंटे के अंदर अपने भतीजे अजीत पवार को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न केवल दिलवाया बल्कि उन्हें वापस ले भी आए। इस दौरान उन्होंने एक भी बार भतीजे के खिलाफ सख्त लहजे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हर बार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कहा कि गलती हो जाती है। इस पलटवार के साथ ही शरद पवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भले ही देश की राजनीति में चाणक्य की हैसियत रखते हों, लेकिन महाराष्ट्र के असली चाणक्य तो शरद पवार ही हैं। शाह और पवार के बीच महाराष्ट्र के जंग की शुरुआत 23 नवंबर की सुबह हुई, जब भतीजे अजीत पवार ने चाचा से विद्रोह करके भाजपा से हाथ मिला लिया। इसके बावजूद शरद पवार ने गजब की राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया और इसका नजारा फडणवीस के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर दिखा। तुरंत ही हैशटैग चाणक्य ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने कहा, असली चाणक्य तो पवार साहब ही हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।